नासरीन कंबर के वाहन ए शाखन में पानी की खोट सबब आबादकार ए हारी फसल पोखण लाए परेशान आहिन। वधिक रिपोर्ट दिसों तो इखलाक एम चांडे जी हन रिपोर्ट्स में 1950 वाले दहाके में अंग्रेजन सिंध में जदीद आपाशी जो निज़ाम कायम कयो। माशी तरक्की लाए आपाशी जी अहमियत के तस्लीम कंदे ज़रायत के हथी डियारींदे सिंधु दरिया के वड़ा बंद बधी वेकरे के सीधो रस्तो डे उनके मथा अहम मनसूबा जोड़िया वा जिन में सखर बिराज अहम है। सखर बिराज में जिले लारकाना कंबर शदाद कोट की जमीनों के जरखेज़ कर राइस किनाल जोड़ी वन में मुख्तलिफ़ किनाल दिना वा जिन में गाढ़वा निकरे तो जैसे लखें जमीनू आबाद थन थी पर कंबर की शाखुन ए वाहन में पानी जो छोड़ न कर सबब सारन जो बिज की पोखाई नथी सगी आए जै सबब हारी आबादगार परेशानी के मुंह दे रहा। अंग्रेज दौर का जो इतने मन जो विछाए वो आटरवा जो जार विछाए वो केतर भी हुकूमतू आयु उन कदें भी एक्शन न खूँ तो असि पी जरात के सुधारण के लिए वाहन के खाटी डरूँ उन पक्ो क्यों उन वाहन के अगे वण पोखा वा हुआ पर हाँ वो तुम तो वाहन जो कड़ो असर लगो पो हंधा हंधा वाह टुटा पायान पुलियों भगियों पियन मोरू भगियों पियन पर इतना जो अमलदार इतना जहाँ बिली भगत कर सिर्फ करप्शन में पूरा को भी बेलदार पी ड्यूटी कर तैयार कोने को कें भी वाह को बेलदार है हिंसर पानी के ना अचण की जी सूरत हाल ऐसू पाया त मुसलसिल हारी तो पैर को ही पोते वा हुआ हिंसर कणकुन जो रेट तुम सरकारी रेट से को खरीद कर तैयार को हो जै वक् पुरानी कणक किनी भी थे हिंसर वाहन के अंदर वो भंजू खपाए रहा है ने, वाहन के जो मजबूत कन वण उ असो बेलदार खपाए रहा है ने, दारोगा खपाए रहा है ने, उनन में को भी इन इंट्रेस्ट को हुकूमत जो पैर अंग्रेज हुकूमत जैसे टाइम हि वाह हि केनाल जे इन लाइन विछायल हुई उन्होंने कम कर वह हुआ मुश्किल तो फसल तबाही थी मुल्क में हुक्मरान के हथा हिमल तक पानी रहा ही को तवजो आए ही को अस हारी गरीब जे मरी तबाह थी हिमल तक हिमल का शे को का सब माल दाल भी हर शे तबाह थी असाजा साधरी इंदो थोड़ो घो तो आबादी थी नई तो हर शे खत्म त मौजूद हारी ए जमींदारों की अवं गाल बुधी उन्होंने यो चवण है तो पैरी मई तीन पानी दिनों वो हो पर इन वक्त तक पानी न दिनों जैसे करो सो जो हारी आबादगार वो बिज की पोखाई न कर सकान उनसा गडो गड पानी न होने के सो जो माल है उनके मालकन के भी परेशानी से मुंह जनो पी रहा है। कैमरामैन ममता शाबरानी से गुड अखलाक अमन चांडो धरती टीवी न्यूज़ कंब।